Women, for a long period of time, have been seen as somebody who is emotionally unstable and cannot make decisions for themselves. But have you ever wondered, ye sab shuru kahan se hua? How did we come to this understanding? Well, this comes from years of manipulation and conditioning. Hello, my name is Nimisha, and today I'll share 5 manipulative terms used for women in order to control their mind and body so as to fit into a patriarchal setup. Let's get into it. वैसे तो हिस्टेरिया टर्म एक इमोशनल डिसऑर्डर को डिफाइन करने के लिए आया था, बट इवेंचुअली इसका इस्तेमाल वुमेन की इमोशंस और बिहेवियर को डिसमिस करने के लिए किया गया. इफ वुमेन कंटिन्यू टू डिस्प्ले दीज इमोशनल एक्सप्रेशंस, उनको ना सिर्फ इरेशनल और मेंटली अनस्टेबल जैसे लेबल्स दिए गए, उनके कंसर्न्स और एक्सपीरियंसेस को भी कंप्लीटली इनवैलिडेट किया गया. अगला टर्म तो आज भी काफी डेरोगेटरी है, और वो टर्म है मिस्ट्रेस. करंटली ये उन वुमेन के लिए यूज करा जाता है जिनका अफेयर एक ऑलरेडी मैरिड मैन के साथ चल रहा हो. व्हाइल दिस कैन बी अ डिबेट इन इटसेल्फ, ये अर्लियर टाइम्स में उन वुमेन के लिए यूज करा जाता था जो पार में रहती थी, सो एज टू डिमिनिश देयर अथॉरिटी. इनफैक्ट उस टाइम पर यह कहा जाता था कि वुमेन की पावर और सक्सेस उनके इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स की वजह से है, ना कि उनकी कैपेबिलिटीज के कारण. एंड दिस वुड रीइंफोर्स द नोशन दैट वुमेन इन पावर और अथॉरिटी आर इमोरल और अनडिजर्विंग. बैटल एक्स, ये वो टर्म है जो हिस्टोरिकली उन वुमेन के लिए यूज करा गया है जिन्हें डोमिनेटिंग, ओप्रेसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव माना जाता था, नॉट कैरिंग अ पॉजिटिव कॉनोटेशन फॉर श्योर. ये वुमेन को एक डेरोगेटरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता था, implying to the fact that they were forceful and their behavior wasn't right. Originally denoted to a woman whose occupation was to spin, spinster eventually un women ke liye use kara gaya jo societal norms ke according apni age se zyada thi so as to get married. Ye word ye bhi indicate karta tha ki us woman se koi bhi man shaadi nahi karna chahta hai. It was believed that she is unlikely to ever get married. और भी ऐसे काफी terms हैं जैसे कि old maid, maiden, etc. जो कि unmarried women को demean करने के लिए use किए जाते थे. Did you know there's a term called frigid जो historically women को sexually inactive और unresponsive होने के लिए stigmatize करता था. Women were shamed if they were indifferent to sexual advances और उनको काफी criticize और blame करा जाता था if they lacked interest in sexual activities. वैसे तो इन टर्म्स की गिनती काफी ज्यादा है, लेकिन आज के लिए आई थिंक दिस वुड बी इट. कमेंट डाउन फॉर पार्ट 2. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.